एन एस वन एंटीजन टेस्ट हम पहले बात करेंगे एनएस वन एंटीजन टेस्ट के बारे में यह शुरुआती इन्फेक्शन में आता है जैसे कि कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड हुआ तो उसके शुरू के तीन से लेकर दस दिन तक यह टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब होता है कि वह है डेंगू पॉजिटिव है उसमें डेंगू फीवर के वायरस हैं अब दूसरा होता है आई एंड आई जी एंटीबॉडी हम बात करेंगे आई की आई शुरुआती फोर फाइव डेज से लेकर फोर फाइव डेज से लेकर या शुरू के वीक से लेकर कुछ महीनों तक पॉजिटिव बना रहता है आई एंटीबॉडी का मतलब है कि जो डेंगू फीवर हुआ है जो डेंगू वायरस हुआ है उसमें उस वायरस उस के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी बनती है अगर एंटीबॉडी बन गई है तो आई पॉजिटिव आता है अगर आई पॉजिटिव आया तो माना जाता है कि ये फ़ीवर के ख़िलाफ़ एंटीबॉडी बन चुकी है और यह फीवर कम से कम पाँच से सात दिन पुराना हो चुका है अब बात करेंगे हम आईजीजी के बारे में आईजीजी टेस्ट तब पॉजिटिव आता है जब कोई पास्ट में इन्फेक्टेड हुआ हो या डेंगू फीवर होने के बाद उसके अंदर एक एंटीबॉडी बन जाती है अगर ये बहुत पहले हुआ है करीबन दो तीन महीने चार महीने या साल पहले तो कई बार आई एंटीबॉडी पॉजिटिव आता है इसका मतलब है अगर आई पॉजिटिव आया तो ये पहले हुआ हुआ माना जाता है डेंगू टेस्ट में कई बार एन एंटीजन पॉजिटिव आता है कई बार आई एंटीबॉडी पॉजिटिव आता है दैट मीन्स कि अगर ये दोनों पॉजिटिव आते हैं तो ये माना जाता है कि प्राइमरी एक्यूट इन्फेक्शन है जिसका टाइम पाँच से सात दिन हो चुका है क्योंकि जो आई जी एम पाँच से सात दिन में ही पॉजिटिव आता है और एन एस वन एंटीजन तीन से लेकर नौ दिन तक पॉजिटिव आ सकता है तो ये शुरुआती इन्फेक्शन है इसमें एंटीबॉडी भी बन चुकी है यह माना जाता है अब आता है कि IgG एंटीबॉडी कई बार टेस्ट कराते हैं उसमें एन एस वन एंटीजन नेगेटिव आ जाता IgM है आई एंटीबॉडी नेगेटिव आ जाता है बट IgG एंटीबॉडी पॉजिटिव आता है उस समय ये यह, यह होता है IgG एंटीबॉडी पॉजिटिव का मतलब है कि अभी इसमें डेंगू के कोई वायरस नहीं है और ना ही इसमें इन्फेक्शन है बट ये पास्ट में कभी डेंगू हुआ था उसका ये पॉजिटिव दिखा रहा है Thank you so much.